आसंता मे मास 12 तारिखरे हेबा गुथिबा टी20 मैच पे सजे हेलानी 12 बाटी ओडिसा क्रिकेट एसोसिएशन पक्षरु एने व्यापक प्रस्तुति आरंभ होईछि। विशेष करी वर्षा हेले जेपरी मैच प्रभावित न होबो सेथिपई स्वतंत्र ध्यान दिया जायछि। एपोटे स्कूल कॉलेज और शिक्षानुष्ठान पई ऑफलाइन टिकट बिक्री आरंभ हो जायछि। तेबे मैच बंद करिबा पई उच्च न्यायालय होइथिबा आवेदन को मान्यवर उच्च न्यायालय खारज कर देबा फळरे मैच उपर विपद प्रायत टळी जायछि। उपयुक्त अग्नि निरापत्ता नथिबा नै उच्च न्यायालय जनस्वार्थ मामला दाखल करा जायथिला। खेलाळी माने केमिति सुरखुरे पहुंचिबे एवं सेमानंकर रहणी सुरक्षा प्रवृत्ति उपरे विशेष ध्यान दिया जायथिबा ओडिसा क्रिकेट एसोसिएशन रो सभापति पंकज लोचन महंती सूचना देथिले। यहाँ पर ये तो बहुत पुराना स्टेडियम है, यहाँ पर 2019 दिसंबर में एक मैच हुआ था, उसके बाद आपका कोविड के टाइम में कोई मैच हुआ नहीं, उसके बाद ये वाला मैच हो रहा है। हमारा जो कुछ प्रॉब्लम्स थे यहाँ पर, लाइट का प्रॉब्लम था, वो लाइट हम लोग चेंज करके LED लाइट लगा दिया है, जिसमें कि लक्स लेवल पहले 1800 से 1900 था, अभी 3500 तक पहुँच गया है, जो कि आपका TV टेलीकास्ट के लिए ज़रूरी है। और हमारा जो फील्ड आउटर फील्ड जो है वो सैंड बेस्ड बना है, उसको हम इसलिए बनाए हैं कि अगर बारिश होगा तो इमिडिएटली ड्रेन आउट हो जाएगा। उसके लिए भी हम लोग दूसरा प्रिकॉशन लिए हैं, एक ग्राउंड कवर लाए हैं जो कि कैलकटा में उन लोग यूज़ कर रहा है, बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन, उनके क्यूरेटर भी यहाँ पर आए हुए हैं, वो हमको हेल्प करेंगे वो ग्राउंड कवर को, अगर बरसात होगा तो इमिडिएटली ग्राउंड कवर कर देने के लिए वो हमको हेल्प करेंगे। उसको छोड़ के एक सुपर सफर उनके एक इक्विपमेंट है जो हमारे पास एक दो था, दूसरा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलियन मेक है, दूसरा हम लोगों ने खरीदा है, वो भी हेल्प करेगा पानी इमिडिएटली सुखा देने के लिए। तो मतलब आपका एंटायर मैच वॉशआउट होने का चांसेस। कटकरु अजय कुमार बेहरा को रिपोर्ट A1 ओडिशा।